यहू कहा था नहीं कि हम ग्रहिया जलेबी खाए, कहाँ ले जाए इनका खिलावे बताओ। सीधा ऐसे ही बोलते हैं, तुम लोग फिर चालू हो गए रे, नहीं मानोगे तो हम लोग ले ना एकदम ना। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है। मेरा नाम है नितेश मौर्या और आप प्यार से मुझे माही बुला सकते। आप मुझे माही क्यों बुलाएंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन जो कि हम बाद में आपको बताएंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस फर्स्ट ब्लॉग में। तो आइए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये माय फर्स्ट ब्लॉग का आइडिया मेरे दिमाग में आया कहाँ से। माय फर्स्ट ब्लॉग ये कीवर्ड जो है वो अभी यूट्यूब पे काफी ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है, तो हम भी सोचे काहे ना भैया हम हूँ बनाए। मतलब कौन नहीं चाहता है कि यूट्यूब पे वो वायरल हो, उसके सब्सक्राइबर बढ़े। ये इंट्रो में हम अपना नाम बता ही दिए हैं और हम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारा कुछ अगर आपको जानना है, नहीं भी जानना है तो हम बता ही देते हैं। हम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से बिलोंग करते हैं, म्योरपुर ब्लॉक। तो अभी तक ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, फर्स्ट ब्लॉग है ये इसका फर्स्ट ब्लॉग है, फर्स्ट ब्लॉग है ये। अब बात कर रहा भाई, ये फर्स्ट ब्लॉग है, ये फर्स्ट ब्लॉग है ये तेरा, ये फर्स्ट ब्लॉग तो ना है। सुनो रे, ये इसका फर्स्ट ब्लॉग है, ये ब्लॉग है इसका फर्स्ट वाला। तो मेन मुद्दा ये है कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग नहीं है। इसका बनाने का मेरा मेन पर्पज ये है कि इस वीडियो से हम ये कोशिश करेंगे कि वीकली ब्लॉग कम से कम लेकर के आए। डेली ब्लॉग तो अपने बस का ना है, मुझे ऐसा लगता है, बट क्या पता वीकली ब्लॉग के साथ साथ हम डेली ब्लॉग भी स्टार्ट कर दें। ठीक है फिर, आपका तो डाउट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये जो पीछे सरसों का फूल और ये जो ग्रीनरी है ना, मतलब इसका एक अलग ही मजा है ना, मजा आता है ऐसे जगहों पे आकर के। ये सारा मेरा ही खेत है, देख सकते हो, अपना बाप का है। सोच रहे होंगे कि कब से हम ये खेत में घूम घूम के वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं, जब भी हम ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो मेरे घर वाले ही हंसने लगते हैं, कुछ छोटा छोटा बच्चा लोग है वो खुद हंसने लगता है और मुझे ना थोड़ा बुरा लगता है। तो हम बोले ऐसा करते हैं, सबसे पहले घर से दूर चलो और दूर जाकर के ये वीडियो शूट करते हैं। शर्मा जाते हैं वो, थोड़ा बहुत शर्म लग जाता है, क्या करिएगा। घर कैसा है, मेरे फैमिली में कौन कौन रहते हैं, ये सारा चीज हम आपको आगे बताएंगे। तो ये छोटा सा घर है मेरा और उतनी छोटी सी ये गाय है मेरी, और घर में एक नया मेंबर आया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्मार्ट है ये। नहीं हो तुम, यही है बस हमारे यहाँ ये आम का खेती। ये मेरे पीछे भाई लोग हैं, इनके साथ हम रोज सुबह वीडियो। बड़ा हरामी हो, न्यायती बेशरम लोग हैं ये सब भाई, सब इनकी बातों पे ध्यान ना दे, रील्स शूट कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ का रील्स को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक दिया रहेगा, आप जाएंगे और वहाँ से वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ये है भोलेलाल जी, आज इसको चोट लग गया भाई, ये सबसे बुरी बात है। ये दिखा रहे हैं ना अपना पैर, इनको चोट लगा हुआ है। और ये है मेरे दादाजी, ये लोग के बॉस हैं ये। कुछ बोलना चाहेंगे लोग आपको, बहुत सारे लोग एक साथ देख रहे हैं आपको। क्या बोलना है, कौन आदमी से आप बात कराना चाह रहे हैं? हम एक यूट्यूब नाम का कोई है आदमी, उन्हीं से बात कर रहे हैं। उस आदमी के अंदर बहुत सारे मेंबर हैं। अच्छा, और उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। देश में आकर के परदेशी हो गए, अब 12 साल गुजर गए, 12 साल की ये सारी उपलब्धि है। 12 साल में परदेशी थोड़ी ना कोई होता है, अब हम हो गए स्वदेशी। तो जैसे ही हम अपने घर में एंट्री करते हैं, सबसे पहले इधर मेरे दादाजी का लूना और मेरा दोस्त, सबसे प्यारा दोस्त जो कि हमेशा मेरे साथ रहता है, इसका नाम है मैक्स। इधर अपना छोटा सा रूम है, ये है वो है, क्या सारा चीज आप देख सकते हैं। और ये है मेरे जन्मदाता, इट्स माय लाइफ गिवर, मेरी माँ। आइए मिलाते हैं आपको प्रिंस कॉमेडी वाले से। देखो, यहू कहा था नहीं कि हम ग्रहिया जलेबी खाए, कहाँ ले जाए इनका खिलावे बताओ। मेला में चलबू 14 तारीख, चलिए मेला में चलिए। चौलल जी मेला में, करल जी खेला। तो ये है हमारे प्रिंस भैया जो कि आज हम बहुत दिनों से, मतलब बहुत सालों से साथ में हैं। ऐसे प्रयास रहेगा कि हम लोग कॉमेडी वीडियो बहुत जल्द लाएं, बहुत जल्द। काला जादू, चश्मा लगाया तो गोरा, चश्मा निकाला तो आप उनशाला काला, जो कि है करेंगे। और कुछ कमेंट में हम लोगों को इंग्लिश सिखा दीजिएगा, देहात से है, इंग्लिश आता नहीं, आता नहीं। और जब अभी हम बहुत दिन के बाद जब टिकटॉक छोड़े थे तो साथ में अभी जो रील्स बनाने स्टार्ट किए हैं, तो एक है हमारे भाई साहब, तो वो मिले तो जानते हैं क्या बोलते हैं, सीधा ऐसे ही बोलते हैं, तुम लोग फिर चालू हो गए रे, नहीं मानोगे तो हम लोग ले ना एकदम ना। साथ लेता गया।
दोस्तों मुझे अपने लाइफ में दो चीज करना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, फर्स्ट घूमना और सेकंड खाना बनाना। मतलब बातों को तो ये हंसी आ रहा होगा कि ये क्या शौक हुआ भाई यार खाना बनाना, वो भी लड़का हो गए, बट ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है, वो आज हम आपको बताते हैं कि मुझे क्यों पसंद है खाना बनाना। गाइस मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ी दिक्कत है यार, मेरी कोई सिस्टर ही नहीं है। बट आप ज्यादा दुख ना हो, मेरे पास मेरे मामा की, मेरे बुआ के और मेरे चाचा के इतने सारे सिस्टर हैं कि सिस्टर की कमी नहीं खलती है, बट अपनी सिस्टर अपनी होती है यार। और हुआ कुछ ऐसा कि मैं बचपन से ही मम्मी के साथ खाना बनाता आया हूँ और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें खाना बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है अभी तक और रहेगा भी। मैं सोचा अगर आप ये फर्स्ट ब्लॉग जो बना रहा है अगर ये वायरल हो गया ना तो आप पुनः बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। अभी भी कुछ कम नहीं है, अभी भी मेरा 900 कुछ सब्सक्राइबर है। अगर आप भी मेरे तरफ पॉपुलर होना चाहते हो ना, चाहते हो वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अच्छा तो जाके एको सब्सक्राइब मारो। अरे बाबा फीकी फीकी जिंदगानी भरे थे तूफानों लगे रंग सारे प्राण मेरे अंधी आरी कारी रातें भरे थे तू भूलन लगी उजी आरी उधरे जान में। आप बताइए कि वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं। अजी अगर अच्छा नहीं लगा होगा ना तो कमेंट में बताइएगा, अगर अच्छा लग गया होगा तो एको लाइक कर दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे। और प्यार वार दिखाइए अपना, बाकी हम क्या बोलेंगे। एक मिनट रुकी रुकी, जरूरी बात, सब्सक्राइब नहीं किए हैं का, सब्सक्राइब मार दीजिए, बहुत ही जरूरी चीज है ये। और हाँ नहीं तो क्या मतलब है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा आना, प्यार दिखाएगा तब ना जी, हम अगले वीडियो में और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है मिलते हैं अपन आने वाला नया वीडियो में, वो तो अभी करेगा, नहीं भी दिखाएगा प्यार तो अभी करेगा। ठीक है तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद जय भारत। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते देखते आइएगा हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर ले, ये डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, जाएं और उस पर क्लिक करके हमें फॉलो जरूर कर लें। मेरी